गोरखपुर शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जुटे एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बुधवार को एक नई पहल शुरू की। दरअसल ऑटो चालकों की पहचान और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एसपी ट्रैफिक ने ऑटो चालकों को वर्दी और आईडी बांटा। खास तौर पर टेम्पू चालकों की पहचान सुनिश्चित करने के मकसद से आईडी और वर्दी दिया गया है। शहर के यातायात कार्यालय पर एक कार्यक्रम में एसपी ट्रैफिक ने अपने मातहतों के साथ टेम्पू चालकों को आईडी और वर्दी दी। इस दौरान एसपी ट्रैफिक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वर्दी और आईडी कार्ड वाले चालकों को ही ऑटो में सवारी करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने पर ऑटो चालकों की पहचान की जा सके। खासतौर पर अगर किसी का कोई सामान ऑटो में छूट जाए तो उसकी आईडी के जरिए उसे ढूंढा जा सके। इसके साथ ही एसपी ट्रैफिक ने सभी ऑटो चालकों से वर्दी पहनकर और पहचान पत्र के साथ ही ऑटो ड्राइव करने और यातायात नियमों का पालन करने को कहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, रजत रावत, नगेंद्र कुमार जायसवाल, चतुर्थी की लगाते रहो, हाँ, राम आश्रय, तो अपना बाद में ले जाएगा, ठीक है। अजय कुमार गुप्ता, चलिए। आशुतोष क्यामुद्दीन, चलिए। आशुतोष, रजत रावत, अजय कुमार, मोहम्मद मुस्तफा, अजय, फोन आया था, महेश कुमार पांडे, मनोज मौर्य तो नहीं है, कार्रवाई भी होगी, जितना प्रेम से बोल रहे हैं उतना दंडात्मक भी है, ये मामला समझ लीजिएगा। दोबारा चेक करूंगा, सामने देखिए, दो जोड़ी दे रहे हैं कि आप हमेशा पहनो। ब्रिज किशोर श्रीवास्तव, आप बुलाते जाइए। देखिए, हम लोगों ऑटो चालकों को एक यूनिक आईडी कार्ड दिया गया है जिसमें हम लोग ट्रैफिक विभाग की तरफ से हमने इशू किया है, जिसमें उनका ब्लड ग्रुप, उनका नाम पता, फ़ोन नंबर सभी कुछ अंकित है। और ये यात्रियों के लिए बड़ी सुविधापूर्ण होगा क्योंकि अगर कोई यात्री इनका नंबर नोट कर लेता है और उसका सामान गाड़ी में छूट जाता है तो हमको बता सकता है कि साहब इस गाड़ी नंबर में छूट गया था, और इस तरीके से तो हम लोग उसकी मदद करेंगे। इसी प्रकार से उसमें ब्लड ग्रुप भी अंकित किया गया है, तो आपस में अगर कोई दुर्घटना होती तो आपस में ये लोग आपस में कोऑपरेट करके ब्लड ग्रुप भी मैनेज कर सकते हैं, एक दूसरे को इमरजेंसी के समय मदद भी कर सकते हैं। कितने लोगों को आज हम लोगों ने 60 लोगों को दिया है, 60 लोगों को ही वर्दी का कपड़ा दिया है और 60 लोगों को हम लोगों ने कार्ड इशू किया है आज। इस दौरान उनको कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए? हाँ, उनसे अनुरोध किया गया कि यातायात के नियमों का पालन करें और हर जगह पे ना खड़ा करें, जहाँ पे स्टैंड दिखाई पड़ता हो वहीं पे खड़ा करें गाड़ी।